नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हो भाई, हम लोग आ गए हैं मिनी गोवा। जाने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक रिसॉर्ट पड़ता है ना। तो क्या हुआ भाई, मैं रिसॉर्ट पे ही घुस गया था, तो मेरे को बताया कि ये वाला रास्ता है। तो भाई देख सकते हो, ये वाला रास्ता है जो हमारा जो मिनी गोवा है ना, वहाँ पे लेके जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना ख़राब सा रोड है भाई। इधर बनाना थोड़ा सा वो तो कर देते भैया, कोई बात नहीं। लेकिन चलिए चल के देखते क्या है नज़ारा वहाँ का। बाकी समुद्र जैसा दिख रहा है। ये देख सकते हो भाई, बोटिंग वगैरह तो यहाँ पे पहले ही दिख गया, आइसक्रीम वाला भैया। और यहाँ पे बोटिंग ऐसा कुछ बता रहे हैं, देख सकते हो पूरा रेती रेती सा है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। परी बर्फ गोला, अरे वाह बढ़िया सा है नाम भाई, बढ़िया सा ना। यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा समुद्र जैसा जो महानंदी है दोस्तों, यही है, ये गंगरेल डैम बोलते हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ होटल्स वगैरह है, जो आपको रिसोर्ट दिखाया था ना सामने, वही है, उसी के अंदर का नज़ारा है। बाकी ये आपका पीछे के साइड से खुला हुआ रहता है, हम लोग यहाँ से घूम सकते हैं। तो बाकी ये देख सकते हो भाई, सेम गोवा टाइप का नज़ारा है, छोटा सा गोवा है, इसलिए हम लोग इसको छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहते हैं। यहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी साधन है, जो कि आगे हमारे स्टूडियो में आपको दिखाएंगे। तो अभी आप लोग देखिए ये होटल्स भी बहुत शानदार है, यहाँ पे बैठने के लिए बनाया था। तो यहाँ पे दोस्तों किसी का भी शादी हो रहा है, वेडिंग हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर के साइड। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा टिकट कटाने के लिए बोटिंग में, है ना। देख सकते हो यहाँ पे धूप सा माहौल हो रहा है दोस्तों, क्या है बारिश के दिन में धूप हो जाना, ये थोड़ा जम नहीं रहा है भाई, क्योंकि यहाँ सावन नहीं लगा है, तब का हमारा जो ये वीडियो है वो है। देख सकते हो यहाँ पे ये आपका बोटिंग का है दोस्तों, देख सकते हो कितना कितना प्राइस है यहाँ पे आपको दिखाया गया है बोटिंग का पर हेड। यहाँ पे सब चीज़ कराया जाता है दोस्तों, ये पूरा जो है उसको देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक बोटिंग कराया था, तो उसका हमें दोस्तों 500 रुपये लगता है। तो मैं बोला भाई 500 रुपये में साला वही 10 मिनट घुमाएगा क्या मतलब भैया, बहुत ज़्यादा लूट है यहाँ पे, नाम का मिनी गोवा है ये, कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ पे आ रहे हो तो बोटिंग वगैरह तो बिल्कुल मत करो मेरे ख्याल से। वो जो 80 लोग बैठते हैं वो वाला बोटिंग भी रहता है यहाँ पे, लेकिन भाई वो तो बेकार है यार, क्योंकि 100 रुपये रहता है, ठीक है, लेकिन इस सीज़न में कौन बैठेगा वहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है भाई 500 रुपये पर पर्सन, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ बहुत सारा लूट चल रहा है देख सकते हो। फिर भी चलिए हम लोग आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं बोटिंग वाला। देख सकते हो मौसम एकदम मस्त सा हो रहा है, नज़ारा बहुत बढ़िया है दोस्तों, समुद्र वाला नज़ारा है देख सकते हो। यहाँ पे भाई साहब किसी ने बाइक खड़ा कर दिया है, अब बाइक वो कैसे लाया वही जान सकते हैं। ये मेरे पास भाई बॉटल है छोटा सा, जो कि मैं वहाँ पीछे वाले रिसॉर्ट से लिया हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों आगे की साइड, देख सकते हो ब्लर सा हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भाई देख सकते हो सामने है आपका बोटिंग वाला नज़ारा, तो आपको दिखाएंगे। तो भाई क्या है यार, मूड बनता है ना तो कहीं भी घूमने के लिए निकल जाया करो यार, क्योंकि लाइफ एक बार आता है, बार बार नहीं आता है भाई। पैसा क्या है भाई, आज है कल है, लेकिन जो ये चीज़ है ना वो याद बन के आपके जो समय में रह जाएगा भाई, कि आप याद करोगे कि हम कभी गए थे यहाँ पे करके। तो देख सकते हो भाई क्या मस्त समुद्र सा नज़ारा है मेरे को। बाकी भाई वो जो पीछे के साइड है ना लंबा सा, वो टापू जैसा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा सा व्यू वही दे रहा है। और बादल भी देख सकते हो थोड़ा घना घना सा हो चुका है हमारा जो महानदी है उसके ऊपर में। ये है दोस्तों बोटिंग, हम लोग आ गए बोटिंग के पास। भाई साहब बोटिंग वाले तो बहुत ज़्यादा हाई फाई प्राइस बता दिया था, तो हम लोग फिर से यहाँ बोटिंग टिकट सेंटर में आ गए थे। सोचा भाई कोई दूसरा हमारे साथ मिल जाए भाई, तो उसके साथ जाएंगे तो हमारा टिकट आधा हो जाएगा करके, लेकिन यहाँ पे भी हमारा किस्मत भाई साथ नहीं दिया। तो मैं बोलता हूँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, घूमना तो घूमना हो गया ना। यहाँ पर देख सकते हो गोला वाला बहुत सारा है भाई यहाँ पर यार। अभी देख सकते हो यार ये है आपका रास्ता, हम लोग आ गए फिर से वो रास्ते पर। तो ये महानंदी वाला रास्ता है, मेरे को पता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आप नहीं जा सकते, लेकिन हम ज़िद्दी है भाई, हमें जाना है, हमें देखना है महानंदी, तो हम जाएंगे। तो भाई हम लोग इस गेट से भी एंटर करेंगे, देखना ये वाला जो गेट है ना यहाँ से हम एंटर करेंगे, हमें तो देखने जाना है भाई, क्योंकि हम आए हैं इसलिए है। ये महानंदी वाला रोड है दोस्तों, जो कि अभी बंद हो चुका है, जो पुल रहता है ना उस पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे नज़ारा बढ़िया सा। लेकिन यहाँ पे है दोस्तों देख सकते हो, बोल रहे हैं कि लॉक है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है करके।
तो देखते हैं आगे चल के क्या हमें मिलता है, क्या कुछ देखने को। बाकी देख सकते हो यहाँ पे कितना साफ सुथरा सा जो हमारा जो व्यू है, जंगल है ना। यहाँ पे सामने के साइड घर वगैरह सा कुछ है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो भाई ये वाला जो ट्रैक्टर है ना, ये पूरा लेबर और ये कुछ राड वगैरह लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ पे, देख सकते हो। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जाना, ये वाला गेट पे जाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पे भाई काम चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी डीले हुआ तो जो भी आपका जो काम चल रहा है वो अगर कुछ हो गया दुर्घटनाग्रस्त तो भाई जान जा सकता है यहाँ पे। इसलिए हमें जो जो अंकल है ना यहाँ पे वो मना किया है। बाकी देख सकते हो बोर्ड वगैरह आप लोग। तो हम लोग कोई ना भाई, यहाँ से मना कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसके पीछे के साइड से जाएंगे। ये जो पीछे वाला साइड है दोस्तों देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जाली सा ऐसा कुछ है, इधर जाने नहीं देंगे हम लोग को। आप लोग को दूर से दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो बनिए रहिए दोस्तों हमारे वीडियो पे, आगे आपको मज़ा आएगा, देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा ये तो भाई वो वाला रोड है जो मिनी गोवा जाता है, वही साइड से आया है डायरेक्ट। चलिए आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं कि यहाँ पे हमारा जो डैम है ना, वो जो महानंदी वाला, तो उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से हम लोग उस पार नहीं जा सकते। तो देख सकते हो यहाँ पे क्रेन वगैरह कुछ है। वो रहा दोस्तों हमारा जो महानंदी वाला जो है ना, वहाँ पे ओवरब्रिज टाइप सा कुछ बन रहा है वहाँ पे। मेरे को लगता है भाई यहाँ पे अगर कुछ अपग्रेड होगा तो वहाँ पे चलने की सुविधा देगा। जैसे हमारा महादेव घाट है ना, वैसे टाइप का यहाँ पे कुछ सुविधा देने वाला है हम लोग को, बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों ये। अभी चलते हैं फिलहाल हम लोग पीछे के साइड, क्योंकि हमें हो चुका है दोस्तों बहुत ही लेट हो चुका है। अभी बज रहा है दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। हमें जाना है घर, क्योंकि हमारा घर भाई बहुत दूर है, हम अकेले आए हैं। सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे जो रिसॉर्ट है उसको भी आप लोग देख लो। यहाँ पे अंदर में कुछ खा भी सकते हो, नाश्ता वगैरह लाए हो तो अंदर में कर सकते हो, होटल पैसा करके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है ना, देखने में बहुत गुस्सा आएगा भाई आप लोग को। यहाँ पे पार्क कर रहे हैं गाड़ी वगैरह। ये सामने के साइड जाने के दोस्तों आप लोग को 20 रुपये का टिकट लगता है। तो हम लोग भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है पीछे के साइड, वहाँ पे गए थे। तो भाई ये देख सकते हो हमारा जो रिसॉर्ट है वहाँ पे हम लोग घुसे हैं। तो रिसॉर्ट का भी नज़ारा देख लो, बहुत अच्छा सा है, गार्डन जैसा कुछ लुक है दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हो। हमारा जो मिनी गोवा में रहता है ना, सेम वैसे टाइप को कुछ कुछ घर यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये पीछे का जो रोड है दोस्तों हमेशा खुला रहता है, देख सकते हो। यहाँ पे मैं आ गया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये है होटल्स, यहाँ पे एक जैसे एक दिन का हम लोग रहेंगे तो 1200 रुपये एक जने का चार्ज लगता है। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, स्केटिंग वगैरह का भी यहाँ पे सुविधा है। पर हेड यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपया, ये तो और ज़्यादा लूट है भाई। ये लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया था भाई, जो भैया है वो, मैं तो मना कर दिया।